हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी। अभी अभी हमारे पास एक खबर आई है जो कि है CDLU से रिलेटेड, जो कि आज के अखबार में आई है। CDLU में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं CDLU ने बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ बहुत धोखा किया, पिछले 16 साल से धोखा करते आ रहे हैं। तो उसी के ऊपर हम देखते हैं अभी अखबार में क्या आया है, वो हम आपको अभी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो बात है CDLU में, आप एक सेकेंड में आपको ये दिखा देता हूँ। CDLU की मैंने देखिए, बिना मान्यता इन्होंने 16 साल से BPED का कोर्स चलाया है और उन्होंने NCTE है जो यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देती हैं चीज़ों की, उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने ऐसी कोई मान्यता दी नहीं इनको। और फिर भी जिन जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, सभी टीचर्स के लिए जो यहाँ से पास आउट होकर गए थे, उनकी सबकी ज्वाइनिंग रुक चुकी है। तो ये बात कैसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुँची, यहाँ पर देखिए जो चार बंदे जो आपको पिक में दिख रहे हैं, ये चारों पास आउट हैं वहाँ से। और इन्होंने दिल्ली जाके दिल्ली के PGT में क्लियरेंस किया था, उन एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर दिया, लेकिन जब वो ज्वाइनिंग करने लगे तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आपकी ज्वाइनिंग से इनकार कर दिया। बोला कि जो जिस CDLU से आप करके आए हैं वहाँ पे उनके पास मान्यता ही नहीं है NCT की। और इन चारों का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल है। ये देखिए, इन्होंने ये जो CDLU से पास आउट थे, संदीप, सुभाष, वीरेंद्र और प्रकाश, जो कि मंगलवार को रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए थे, इन्होंने ये बताया। यहाँ पे देखे किसने कौन से साल में किया है। संदीप ने शिक्षा 2010 में की थी, उसके बाद सुभाष ने 2013-14 में, वीरेंद्र ने 2011-12 में पास आउट होता, प्रकाश ने 2014-15 में BPED कोर्स किया था। और उन्होंने पास आउट होने के बाद बताया कि चयन अब दिल्ली एजुकेशन बोर्ड में TJT फिजिकल एजुकेशन टीचर हो चुका था, लेकिन उन्होंने बताया कि जो ज्वाइनिंग के समय यह कहते हुए इनकार कर दिया कि CDLU के पास NCT की मान्यता ही नहीं है। उस वक्त विद्यार्थियों ने मंगलवार को रजिस्ट्रार में जो डॉक्टर राकेश वधवा थे रजिस्ट्रार, उनसे मिलकर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए बोला था। और यही जो खबर है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही समस्या करीब 2 साल पहले भी सामने आई थी कि विद्यार्थियों ने सरकार को ज्ञापन भी दिया, शिकायत भी भेजी थी, और इस आधार पर संसद में भी ये मुद्दा उठा था जब फैसला हुआ था कि सभी को जो जिनके पास मान्यता नहीं है उन संस्थानों को ये एक मुक्त मान्यता दे दी जाए। और इस बात के लिए बाकायदा CDLU ने भी अपनी तरफ से एक ज्ञापन भेजा था और NCT ने उसके लिए आवेदन को स्वीकार भी कर लिया था। बट जैसे ही उन्होंने ये यूनिवर्सिटी ने क्या किया, NCT ने उनका ज्ञापन, वो जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट तो कर ली थी, बट जब तक वो उसको जब तक वो उसको मान्यता देते उससे पहले CDLU ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जल्दबाजी में कि हमारे पास वो पूरी की पूरी मान्यता मिल चुकी है NCT से। और यहाँ पे देखिए, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ा फ्रॉड था, जो उन्होंने लेटर दिखाया न्यूज़ में दिखाया कि हमें मान्यता मिल गई है इसकी, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो झोल यहाँ पे सामने आया वो ये था कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर था 1478, जिस पे उन्होंने तारीख दिखा रखी थी कि 12 फरवरी 2009 को ये दिखाया गया था, लेकिन उसके नीचे जो हस्ताक्षर थे रजिस्ट्रार के, नकली हस्ताक्षर थे, वो 12 फरवरी 2019 के थे। मतलब रजिस्ट्रार का जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर डेट आई है 2009 की और जो नीचे साइन कर रखे हैं वो हैं 2019 के। तो सबसे बड़ा झोल CDLU का यही पकड़ा गया है और इन्हें मान्यता अब तक नहीं मिली है। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसी एप्लीकेशन के अंदर जो रजिस्ट्रार की स्पेलिंग थी वो भी बिल्कुल गलत थी। और अब तक NCT ने अंडर सेक्रेटरी प्रभु कुमार, उन्होंने ये अभी एक नई एप्लीकेशन जारी की है जो कि ये 11/12/2019 के नाम से जारी किया है, एक पत्र क्रमांक जो कि 26 सितंबर को जारी किया था। उन्होंने इसमें कहा है कि इस जो CDLU का जो केस है इसे बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसके लिए वो मान्यता अब तक नहीं मिली है और ना इनको अभी मिलने वाली है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो 4 साल से, मतलब 2011 से लेके अब तक ये एग्ज़ाम क्लियर करते आ रहे हैं और इन्होंने दिल्ली के PGT वगैरह के लिए क्लियर भी किया, लेकिन इनकी वो मान्यता रुक गई कि तुम्हारी CDLU के पास मान्यता ही नहीं है तो तुम्हें जॉब नहीं मिल सकती। तो पिछले 16 साल से CDLU सभी को BPED का जो एक कोर्स है इसके लिए, जब BPED का पूरा कोर्स देख सकते हैं यहाँ पे, इनकी सबकी ज्वाइनिंग रुक चुकी है जिन्होंने वहाँ से BPED का कोर्स किया है। और NCT ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब इन्हें मान्यता बिल्कुल भी नहीं मिल सकती, जो इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो जो आपके नॉन में CDLU से रिलेटेड है बंदे, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी बाकी नोटिफिकेशन हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।